आप देख सकते हैं कि किस तरह से सपा के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है और इससे साफ जाहिर होता है कि कितना ज्यादा जोश सपा कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। लगातार सपा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि बेरोजगारी, किसान कानून और अन्य मुद्दों को लेकर आज अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। सीधा तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं, लोहिया पथ की ये तस्वीरें सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। बबलू भाई जिन आपको बता दें अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय से संबोधन भी दिया था, जहां पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार को घेरते नजर आए। और आपको बता दें कि कोरोना जैसे बड़े मुद्दों को लेकर, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो या फिर कई ऐसे मुद्दे जो सरकार की बड़ी विफलताओं को उजागर करते हो, उसको लेकर तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव ने अपने बयान दिए हैं। और आज बेरोजगारी और कई बड़े मुद्दों को लेकर सपा साइकिल यात्रा निकाल रही है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसको लेकर सपा पार्टी कितनी ज्यादा तैयारियों में जुटी हुई है।